Now, disease causing microorganism in animals. Just like a human being, the several microorganisms cause the disease in other animals. So, like cow, buffalo, goat, sheep, poultry, birds. Then the example of a disease caused in animals by a microorganisms are foot and mouth disease. इन्हें बोलते anthrax and aspergillus. Now the foot and mouth disease of animals is caused by a virus. Thus the foot and mouth disease is a viral disease of an animal. So the disease is a virus. Then the cattle suffering from the disease get the bacillators on the feet of a feet and mouth. Anthrax is a dangerous disease of animal which is caused by a bacterium. Yani ye bacteria se hota hai. The anthrax disease is a bacterial disease of animal. It causes in a microorganism. Anthrax disease bacterium. The bacteria vesicles anthrax which causes the anthrax. जो bacteria उसका नाम होता है bacillus anthraxis which जो cause करता है anthrax disease. And the animal was discovered. इसको किसने discover किया था? वो है Robert Koch in 1876. Now aspergillus disease जो है ये poultry birds में होते हैं. ये होते हैं caused by a fungi or a fungus. Thus the aspergillus is a fungal disease of animal. It is caused by a microorganism of aspergillus disease. Disease causing microorganism in plants. Now some of the common plant disease caused by microorganism are rust of wheat, citrus, canker, and yellow vein mosaic bindi. In this, the plant disease called the rust of wheat is caused by a fungi. The fungus or rust of the disease, rust of wheat's disease is called the fungus. It is formed by the fungus which is spread in air and air seeds. As the name of the suggested, the rust wheat disease occurs in a wheat plant. ओके, मैं आपको ये हिंदी में बताती हूँ कि इसमें क्या होता है. इसमें अगर जो आपने देखा होगा वीट जो है उसमें रस्ट लग जाती है, फंगस लग जाती है, तो इसमें इसके सीड जो हैं ख़राब होने लगते हैं. ठीक है, ये होता है किसकी वजह से? ये होता है फंगस की वजह से. देन अब एक होता है, आपने देखा होगा बैक्टीरिया के वजह से, डिजीज़ ऑफ अ बैक्टीरिया जो आपने सिट्रस फ्रूट में देखा होगा, जैसे ऑरेंज लाइम वगैरह में, उसमें क्या होता है बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो ख़राब होने लगते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जो हो जाते हैं, तो जिसे बोलते हैं हम सिट्रस कैंकर्स. ओके, एज द नेम ऑफ सजेस्टेड सिट्रेट कैंकर. देन ये क्या है, डिजीज को अकर्स इन द सिट्रस ट्री लाइक लेमन और लाइम ऑरेंज. ओके, नाउ डिजीज बाय अ येलो वेन मोज़ेक बिंदी. ये क्या होता है? इसमें कॉज्ड बाय अ वायरस. ये वायरस के थ्रू होता है. एंड कॉज एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस प्लांट डिजीज इज वायरस. ये वायरस एंड द येलो वेन मोज़ेक बिंदी डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ इंसेक्ट. ये इंसेक्ट के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होता है. नाउ फूड पॉइजन. व्हाट इज़ द फूड पॉइजन? द डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ फूड. जब डिजीज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड में होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो ये डिजीज कॉज होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो फूड जो है पॉइजनस हो जाता है. ओके, देन इसके क्या द मेजर सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजन, उसमें क्या होता है हमें वोमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस एंड पेन इन एब्डोमेन, हेडेक एंड फीवर. ये होता है हमें फूड पॉइजन की वजह से. देन एग्जांपल ऑफ द फंगस विच कॉज द फूड पॉइजन वो है एस्पर्जिलस. एंड द फूड इज़ वेरी प्रीशियस मटीरियल
इट शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्पॉइल, उसे ख़राब नहीं होने देना चाहिए, बहुत प्रेशियस होता है फूड, बिकमिंग अ यूजलेस एंड कॉज ऑफ फूड पॉइजन एक्सेट्रा. नाउ प्रिवेंशन ऑफ अ फूड, अब हम फूड को प्रिवेंट कैसे करें जिससे वो ख़राब ना हो, तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिवेंशन ऑफ अ फूड बाई अ सन ड्राइंग, उसे हम धूप में सुखा के उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं. प्रिवेंशन ऑफ अ फूड बाई हीटिंग, उसे हम गर्म करके इसके प्रिवेंशन कर सकते हैं. बाई अ कूलिंग और रेफ्रिजरेशन, जब हम फूड को कूल करते हैं यानी रेफ्रिजरेट में रखते हैं तो भी हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूध रखते होगे गर्मियों में ताकि वो ख़राब ना हो, आटा रखते हैं ना मुझे वो कि आटा ख़राब ना हो, फ्रिज में रख देते हैं हम. दैन प्रिवेंशन ऑफ अ फूड बाई अ डीप फ्रीजिंग, ज़्यादा डीप फ्रीजिंग में रखते हैं ताकि फूड भी ख़राब ना हो जाए. ओके, एंड प्रिवेंशन ऑफ अ फूड बाय अ कॉमन साल्ट, आपने देखा होगा अचार बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा नमक डाल देते हैं ताकि वो फूड ख़राब ना हो. एंड कुछ प्रिवेंशन ऑफ अ फूड बाय अ शुगर, अगर आपने देखा हो जैम जो आप खाते हो उसके अंदर भी ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, शुगर, जिसकी वजह से उसके प्रिवेंशन की जाती है ताकि वो जो जैम है वो ख़राब ना हो. ओके, नाउ प्रिवेंशन ऑफ अ फूड बाई अ मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, आपने देखा होगा आपके घर में जो अचार होता है उसमें क्या डालते हैं, विनेगर डाल देते हैं और ज़्यादा ऑयल डालते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे और वो ख़राब ना हो. प्रिवेंशन ऑफ अ फूड बाई यूजिंग अ स्पेशल केमिकल एज अ प्रिजर्वेटिव, कुछ स्पेशल केमिकल्स डालते हैं जिससे वो प्रिजर्वेटिव के रूप में हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैम और जेलीज में हम ये यूज़ करते हैं, देन इसका नाम होता है सोडियम मेटा बाइसल्फेट फाइट एंड सोडियम बेंजोनेट, ये हम यूज़ करते हैं प्रिजर्व फॉर द फूड प्रिजर्वेशन. ओके, नाउ द प्रिजर्वेशन ऑफ अ फूड बाय पॉस्चराइजर, अब पॉस्चराइज करते हैं हम कुछ फूड्स को जैसे कि मिल्क, इसमें एग्जांपल है मिल्क. नाउ प्रिवेंशन ऑफ अ फूड बाई पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स, आपने एयर टाइट पैकेट्स में तो आपने तो खाए ही होंगे चिप्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उसको क्या करते हैं एयर टाइट पैक में डाल देते हैं जिससे उसके प्रिजर्वेटिव किया जाता है. नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ अ एटमोसफियर, उसे कन्वर्ट करके नाइट्रोजन को दोबारा से सॉइल में फिक्स करना, उसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये मैंने आपको बताया था कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया के थ्रू होता है. बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम, जो क्या करता है रूट में नोड्यूल्स बनाता है लेग्यूमिनस प्लांट में, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया करता है जिससे प्लांट में जो है नाइट्रोजन फिक्स हो. नाउ नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि इसमें आप ये देखोगे इसका जो ये साइकिल है इससे हमें ये पता लगता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो किस तरह हम लेते हैं और वापस वो एटमॉस्फेयर को हम दिख कर देते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ देखो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, इसे क्या करता है बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है हमारे फूड्स में कन्वर्ट कर देता है, द प्लांट नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह से वो लेता है, सॉरी यहाँ से इसमें प्लांट में कर देता है, देन प्लांट क्या करते हैं एनिमल्स खाते हैं और इसका क्या होता है नाइट्रोजन वेस्ट जो है प्लांट का वेस्ट और एनिमल का वेस्ट, इन्हें क्या करता है बैक्टीरिया फिर से डीकम्पोज करता है, डीकम्पोज करके वापस वो सॉइल में भेज देता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा, देखो नाइट्रोजन से प्लांट में जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था यानी वो हमें प्रोटीन के रूप में मिलता है, फिर क्या करते हैं हम उसे हम खाते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, फिर वो क्या करते हैं डेथ और डीके जो है या फिर एक्सक्रीशन है प्लांट के डेथ और डीकेइंग जो है वो यानी जो सड़े गले जो हैं वो उनको फिर कन्वर्ट डीकम्पोज करके वो दोबारा नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल में कन्वर्ट कर देता है. अब यहाँ क्या बता रहे हैं हम दिस वे डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है डीकम्पोज करता है कंपाउंड ऑफ अ नाइट्रोजन इनटू अ गैस, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को लेता है एंड फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी करता है लाइटनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, देन फिर से वो कन्वर्ट कर देता है कंपाउंड ऑफ अ नाइट्रोजन इन अ सॉइल. तो दिस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, द नाइट्रोजन साइकिल इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हियर. You go through this topic and you get it. It's very easy. पूरे chapter में मैंने आपको ये थोड़ा थोड़ा करके समझाया. Okay? Now you have to study this. Take care.